टॉप बेड बिजली कर्मचारियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आपको बता दे, पूरा मामला शहर मुख्यालय के इंदिरा नगर के पावर हाउस कार्यालय मुख्य अभियंता विद्युत विभाग का है, जहां आज दिनांक 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार स्थान कार्यालय मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र बांदा के आंदोलन के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड लखनऊ को संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता को सौंपा गया एवं साथ ही शहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। एक सभा की अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष अमीनुद्दीन ने की। सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय उप महामंत्री रामलाल पाल ने कहा कि तेलंगाना सरकार की भांति प्रदेश में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए, जिससे संविदा कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न पर रोक लगेगी। दो सभा को संबोधित करते हुए दक्षिणांचल महामंत्री अनिल यादव ने मांगी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए न्यूनतम वेतनमान एवं समान कार्य समान वेतन तत्काल लागू किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए तीन जोनल मंत्री आनंद पाल ने कहा कि अवर अभियंता की भांति TG2 को भी 4200 ग्रेड पे किया जाए। प्रथम समय बद्ध वेतनमान अवर अभियंता कर्मचारी एवं सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता का दिया जाए। सात पुरानी पेंशन तत्काल लागू की जाए। तीन कार्यक्रम का संचालन आलोक शर्मा ने की। उप कार्यक्रम में देवेंद्र तिवारी, अनीस अहमद अली, राजेश मिश्रा, श्याम बहादुर, मानवेंद्र पाल, महेश मुकेश सहित बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट जिले के समस्त संविदा एवं नियमित कर्मचारियों ने भाग लिया। ये क्या नाम है आपका? आनंद कुमार पाल, अतिरिक्त जोनल मंत्री, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ बांदा। किन किन मांगों को लेकर के आप बैठे हुए हैं? हमारी प्रमुख मांग ये है, हमारे जो केंद्रीय संगठन है बिजली कर्मचारी संघ, उसके प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में करीब 70 लाख संविदा का कर्मचारी है, उसको विभाग से सीधे भुगतान किया जाए। हमारे यहाँ नियम क्या है कि पेमेंट हमारा विभाग करता है, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से, जिससे बड़ा हिस्सा कमीशनखोरी के रूप में भ्रष्टाचार की कगार चढ़ जाता है। दूसरी मांग ये है कि जो हमारे 70,000 संविदा कर्मी हैं, उनको तेलंगाना सरकार की भांति सीधे विभाग में समायोजित किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, TG2 हैं, उनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और पुरानी पेंशन को तत्काल लागू किया जाए।